अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वीकेंड हमारा गुजर चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना वीकेंड की थोड़ी सी झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कल रात को जो है इतनी तेज़ एकदम से जो है आंधी आई है, और शुक्र है कि आंधी भी देर तक नहीं रही, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत तेज़ बारिश हुई, और ऐसा लग रहा था कि सही सर्दियों की बारिश हो रही है। इतनी ठंड हो रही थी, बारिश में ठंडी ठंडी बारिश लग रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो बस हम गेट पर खड़े हुए और बारिश इंजॉय कर रहे थे, और बच्चे मेरे साथ ज़िद लगाए हुए थे कि हमने बारिश में नहाना है। तो मैंने उनको यही बोला कि नहीं, अब ये बारिश नहाने वाली नहीं है क्योंकि अभी ठंड सी हो रही है, मौसम बहुत ठंडा सा हो रहा है। बारिश वगैरह हो, मौसम अच्छा हो तो मज़े मज़े का कुछ खाने को दिल चाहता है। तो यूँ एकदम से मेरा प्लान बना कि क्यों ना आज मैं कीमा, मसूर कीमा पुलाव बनाऊं। तो बस मैं वही बना रही थी, उसके लिए कीमा वगैरह जो है अच्छे से मैंने भून के जो है तेल ऊपर आ गया था, तरी ऊपर आ गई थी, तो बस उसको भून के रेडी करके एक तरफ रख दिया था। दूसरी तरफ जो है वो मैंने चने मसूर की, काली मसूर की जो दाल है वो आप लोगों को पता है कि इस पुलाव में वो दलती है, तो बस काली मसूर की दाल 2 कप मैंने ली थी और उसको भी अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छा, इस दाल को आप लोग कभी भी कुकर में ना करें, और इस पुलाव को बनाने के लिए, वैसे तो मैं कुकर में ये बनाती हूँ लेकिन ये कि पुलाव के लिए जो है ना खड़ी खड़ी हमें चाहिए, तो कुकर में थोड़ा हलवा हो जाती है, तो इसलिए ये कि मैंने इसको डेगची में ही किया था। और चावलों के बॉयल होने का, कनी उतारने का वेट कर रही थी, उसके बाद जो है मैंने बस इसको तह लगानी थी और दम पे रखना था। सबसे पहले मैंने कीमा डाला भुना हुआ, और उसके बाद जो है एक लेयर मैंने दाल की डाली, वहाँ पर चावल बॉयल करके भी रखे हुए हैं, चावलों की फिर एक लेयर डालूंगी। इसी तरह फिर दो लेयर्स मतलब कि मैंने फिर इस तरह लगाई थी। लास्ट में फिर मैंने दोबारा दाल डाल दी थी ऊपर, और दाल के ऊपर फिर अगेन जो चावल बच गए थे वो डाले थे, और उसके ऊपर जर्दे का रंग वगैरह जो भी लवाजमात आप डालते हैं वो सब कुछ डाल के मज़ेदार किस्म का कीमा मसूर जो है, मसूर कीमा या कीमा मसूर जो भी आप कहना चाहते हैं, वो पुलाव हमारा रेडी हो गया था। हरे मसाले का रायता था, सलाद थी, और ये जो होता है ना इसमें आप अच्छा पूरा जर्दे का रंग पूरा मिक्स नहीं करना होता, इसमें यही होता है कि थोड़ा सा सफ़ेद चावल भी नज़र आना चाहिए। और यकीन जानिए बहुत मज़े का लगता है ये पुलाव। आप लोगों ने कभी सुना है, कभी बनाया है ये पुलाव या नहीं बनाया, ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आयान को आजकल जो है एक दो चीज़ों का बड़ा शौक हुआ हुआ है। वो एक तो है मसवाक करने का, और मसवाक का आगे से मुझे मुंह बनाना नहीं आता था, तो मैं बड़ी खुश हुई कि आयान ने मुझे बोला कि आप फिक्र ही ना करें, मैं गूगल से देख के सारा तरीका सीख लेता हूँ। तो मैं बड़ी खुश भी हुई और बड़ी हैरान भी हुई कि देखो ज़रा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ मालूम है कि हमें अगर कुछ नहीं मालूम तो हमें गूगल से, यूट्यूब से हर चीज़ सीख सकते हैं। और दूसरा शौक आयान को स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, और स्टोरी बुक्स पढ़ना बच्चों के लिए, किताबें पढ़ना वैसे भी अच्छी बात है, तो बस थोड़ी बहुत इंग्लिश उर्दू की बुक्स पढ़ी हुई थी वो आयान पढ़ चुका था, और इसको मज़ीद बुक्स चाहिए थी, तो मैं एक दो ये बुक्स लेकर आई। और आयान को और आयज़ा को दोनों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, हर शौक़ हर बच्चे में नहीं होता, इन दो बच्चों में है, और जो भी शौक़ जो भी जिस बच्चे में भी हो, मैं समझती हूँ कि अगर अच्छा शौक़ है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे कोशिश करनी चाहिए कि वो शौक़ उनका दब ना जाए, इसी तरह कायम रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आज था मेरा ये चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक वीकेंड की झलकियाँ, वीकेंड का व्लॉग, और अभी जो है एक नया हफ्ता शुरू हो गया है। अच्छा, आप लोगों के साथ एक बात आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगा, स्कूल से बच्चों के आया हुआ है कोरोना की वैक्सीन के लिए जो है एक नोटिस आया हुआ है कि आप लोग लगवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, और उसके अलावा मुख्तलिफ जैसे पोलियो की टीम जो होती है घरों में जाती है, पोलियो के कतरे पिलाती है, और इसी तरह आपकी कोरोना की वैक्सीन जो है
बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है और मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो घर भी जा रही हैं। तो स्कूल से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें तो मैंने नो कर दिया कि हमने नहीं लगवानी। आप लोगों के बच्चों के भी स्कूलों में ये चीज़ आई है, ये नोटिस आया है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगवानी है या नहीं लगवानी, या घर में टीम आ रही है तो आप लोग लगवा रहे हैं बच्चों को या नहीं लगवा रहे? 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए ये नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, और आप लोगों की क्या इसके बारे में राय है? मैंने तो जो नोटिफिकेशन स्कूल की तरफ से आया था मैंने नो कर दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं लगवानी चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगा। अगर ये वाकई ज़रूरी है तो मुझे बताएंगा कि हाँ ज़रूरी है तो चलिए ठीक है, मैं भी लगवा लूँगी। अभी गई हुई है लाइट और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मोहल्ले की कुछ औरतों की आवाज़ें आ रही हैं, उसको इग्नोर करेंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।